क्या हाल है भाई लोग। नाम मेहुल है, कोविंटे में रहता हूँ, यूके। ब्लॉगिंग जर्नल स्टार्ट किया अपने कोर्स से, अपना इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट मास्टर्स करना है अपने। तो अपने पहले दिन है, पहला ब्लॉग है अपना स्टार्ट करेंगे। और भाई डेली ब्लॉगिंग होगी, साथ में रहना। सारी बकचोदी चीज़ जो भी सब होता है वो दिखाएंगे अपने आपको। यूनिवर्सिटी एक्सप्लोर करेंगे, कोविंटे एक्सप्लोर करेंगे, बाकी सिटी भी एक्सप्लोर करेंगे। बर्मिंघम है, लंदन है, मैनचेस्टर है। स्टे ट्यून्ड ब्रो। तो अभी 11 बजे की क्लास है, 11 बजे का लेक्चर है। टाइम हो रहा है अभी 10 बज रहे हैं। उठ गए, रेडी हो गए, फ्रेश फ्रेश हो गए। अभी अपने थोड़ा ब्रेकफास्ट करेंगे, थोड़ी देर बैठेंगे, फिर अपने निकलेंगे लेक्चर के लिए। उसके पहले सबसे मेन चीज़ भाई, ये पहले करेंगे अपने राधे राधे, हर हर महादेव। आपको मैं अपना रूम दिखा देता हूँ भाई। रूम बड़ा बहुत अच्छा मिला मेरे को, रूम बहुत सस्ते में मिल गया मेरे को। रूम 350 पर मंथ। 350 पर मंथ इज़ नॉट अ बिग डील ब्रो, 350 अच्छा है। और ये प्राइवेट अकोमोडेशन है, सो इट इज़ नॉट लाइक कैलकट, गॉस्फर्ड, गॉटिवा, वो नहीं। अपना खुद का, कोई टेंशन नहीं, जो करना है करो, बकचोदी नहीं। तो ये है अपना रूम। सबसे पहले तो अपना बेड आ जाएगा यहाँ पे, साफ सफाई की हुई है ब्रो। फिर काफ़ी बड़ी स्पेस है यहाँ पे। ये अपना मंदिर यहाँ पे करा हुआ हम लोगों ने, राधे राधे, हर हर महादेव। ड्रॉवर्स है, ये है, विंडोज़ है, फ्लैक्स है विंडो का ब्रो। अकोमोडेशन वालों की विंडो खुलती नहीं है, इतनी खुलती है अपनी, 6 विंडो पूरी की पूरी खुलती है। यस, बेड है और अपना कबर्ड वार्डरोब। इतना 350 में है भाई, क्या चाहिए और ये अपने रहने का देखो कितना सही है। और यहाँ पे सिर्फ स्टूडेंट्स रहते हैं, सिर्फ स्टूडेंट, ये सब जगह पर स्टूडेंट रहते हैं। सो वीकेंड पे यहीं रस्ते पर पार्टी होती है, सैटरडे संडे फुल पार्टी ब्रो यहाँ पे। चलो भाई टाइम हो गया, इट्स व्हाट 10:30 राइट नाउ, 11 बजे क्लास है, निकलते अपने। और भाई आज का वेदर भी बहुत बढ़िया है, देखो सनी वेदर है, दिखता नहीं है सनी वेदर यूके में। आ जा, लेट्स गो, जाते अपने कॉलेज। अभी देखते हैं, लेक्चर एंड करते हैं, फिर उसके बाद प्लान है लाइब्रेरी जाने का। लाइब्रेरी जाएंगे अपने, थोड़ा कोर्स वर्क करेंगे, फिर रात को भी जाने वापस लाइब्रेरी, तो वो भी जाएंगे। देखते हैं, लेट्स गो। वाह दोस्त, क्या वेदर है। नहीं भाई, भाई देखो कितना साफ आसमान है इस तरफ, और यहाँ पे देखो बादल गरज रहे। क्या करे भाई, यही यूके है। और वैसे भी भाई यूके का वेदर बहुत बाइपोलर है, देखो ये बारिश, उस तरफ देखो पूरा साफ है। साला पता ही चलता नहीं है, छाता लेके निकले, समर वाले कपड़े पहन के निकले, या मैं जो विंटर वाले कपड़े पहन के निकले, कुछ भी हो जाता है। बात ये है कि प्रिपेयर रहना चाहिए भाई, बस कुछ नहीं। ये अपने घर के बाहर का है पार्किंग मार्किंग, ये पीछे फोगो विलेज है, फोगो विलेज के एक्सेक्ट पीछे अपनी स्ट्रीट है, गॉस्फर्ड स्ट्रीट। प्यार है भाई गॉस्फर्ड स्ट्रीट अपना, इसके ऐसी सेफ और एंटरटेनिंग स्ट्रीट कहीं पे नहीं मिलेगी भाई पूरे कोविंटे में।
देख लो, एक किले मिल जाएगा, लोकल स्टोर्स मिल जाएंगे, इंडियन फूड चाहिए वो भी मिल जाएगा, सेंसबरी भी सामने है, सब कुछ है भाई, प्रिंटिंग प्रिंटिंग, ड्राई क्लीनिंग, ऑफ लाइसेंस स्टोर, ये अपना डोमिनोज, डोमिनोज के एग्जैक्ट पीछे अपने रहते हैं, डोमिनोज के पीछे ये जो गेट है उसके पीछे जाने का अपना घर, वहाँ से जा नहीं पाते, वो बहुत अलग है, था बटन वो भी निकाल दिया उन लोगों ने। ये गार्डन है, इसके पीछे ये आ गया अपना सेंसबरी, इसके सामने सेंसबरी के एग्जैक्ट सामने होता है कबाब रश, कबाब रश अपना बहुत सेवर है, रात को 3 बजे लगी भूख लगी हो, 4 बजे लगी हो, 5 बजे लगी हो, 5 बजे तक खुला रहता है कबाब रश, बर्गर्स विंग्स रैप्स सब मिल जाता है, ये सामने सब भी है पर सारा नाम का सब है, सारा खुला तो कभी होता नहीं है, अंदर बैठने भी नहीं देते, कबाब रश। और ये रही अपनी प्यारी लाइब्रेरी, को लाइब्रेरी इज लाइक माई सेकेंड होम, साला यहीं पे पढ़ जाते हैं कोसों के टाइम पे, ऑब्वियसली लाइब्रेरी इज लाइक माई स्नीकी लिंक, जब काम वाम होता है तभी उसको याद करते हैं अपने। तो भाई ये अपनी जैगवा बिल्डिंग, जैगवा सेंटर भाई, क्या सही बिल्डिंग है, खुल जा बेटा। भाई लेक्चर खत्म हो गया अपना, बाहर निकल गया, वेदर देख लो भाई, वेदर देख लो, बारिश बारिश वाला, क्लाउडी वेदर वैसा अच्छा तो लगता है पर यार ज़्यादा टाइम के बाद इट गेट्स डिप्रेसिंग, वो नहीं, एक जगह पर ले जाता हूँ मैं, ये मेरा हैप्पी प्लेस भाई, ये बेंच बेस्ट है, बेस्ट जगह बैठने के लिए, ये रही लाइब्रेरी, वो दिख रहा है वो एक कैथेड्रल, ये अकोमोडेशन है, महंगा है पर अच्छा है, पता भाई जगह देखी होगी, कोई बैठा नहीं होगा, बैठने में इट इज़ वेरी गुड भाई, बहुत पीसफुल जगह भाई, नहीं जाना लाइब्रेरी अभी, तो घर पे जाऊँगा सीधा, नींद आ रही है, सोना भी है, लाइब्रेरी रात को आएंगे अपने, भी टाइम हो रहा है 9:15, फटाफट रेडी होते हैं लाइब्रेरी जाते हैं, कोर्स वर्क करना है भाई, भाई रेडी तो हो गए अपने, पर कुछ पहनना पड़ेगा इसके ऊपर भाई, समझ नहीं आ रहा है ये पहनू या ये पहनू, ये पहनना ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा क्योंकि बाहर बहुत ठंडी है भाई, ठंडी बढ़ जाएगी रात को आते आते लग जाएंगे अपने, ये पहनेंगे अपने, और भाई सबसे इम्पोर्टेंट, और भाई सबसे इम्पोर्टेंट, ब्लैक कपड़े पहन रहे हो लिंट रोलर यूज़ करो ताकि ये जो सफ़ेद सफ़ेद लग जाता है ना इसके ऊपर कचरा वो दैट इज़ वो निकालना बहुत ज़रूरी है, ये हो गया अपना काम, फटाफट से अपना लैपटॉप पैक कर लेता हूँ, सब सामान समेट लेता हूँ, फिर निकलते हैं, तो हो गया रेडी, बैकपैक हो गया, कपड़े भी पहन लिए, रूम देखो भाई, रूम देखो क्या साफ करके रखा हुआ मैंने, कोई नहीं अभी निकलते हैं अपने बाहर फटाफट, लंच भी डिनर भी पैक करना है मेरे को, निकल
चलते हैं अपने भाई। देखो वापस रूम देख लो क्या सही है। ये रहा भाई अपने जाते अपने लाइब्रेरी। लाइब्रेरी अभी और फिर कोर्स वर्क देखने हैं, दो तीन सबमिशन डिटा रही है भाई। ये लास्ट में लटका के रखते हैं सब कोर्स वर्क को तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। उससे अच्छा एक ही बार में ख़त्म कर दो क्योंकि वक्त छोड़ देती है भाई। अभी अपने यहाँ पे निकल रहे बाहर। ये अपनी स्ट्रीट रात को कॉस्फर स्ट्रीट है नज़दीक में अपने घर के पीछे। इसके पीछे अपना घर है उसके पीछे। अपनी यूनिवर्सिटी से 5 मिनट का वॉक है यहाँ तक और सब मिल जाएगा भाई। यहाँ पे ऑफ लाइसेंस स्टोर सीन्स भी यहाँ पे सामने है। कैलकट यहाँ पे, गॉडिया पैलेस यहाँ पे, यहाँ से नज़दीक अपने अपोलो पड़ता है वहाँ पे अपोलो है ऑफ लाइसेंस है। सब अच्छा है भाई। कैफे है सब सही है भाई। अपनी जो स्ट्रीट है ना सबसे सेफ स्ट्रीट है। यहाँ पे कोई बकचोदी नहीं है। रात को कितने बजे भी आओ कोई कुछ बोलेगा नहीं। कोई लफंगे वफंगे होते नहीं है, मतलब होते हैं तो देख के चलना पड़ता है ब्रो भाई। इतना ठीक है, बाकी ये रिश्ते भी कोई नहीं। बट गेट उससे एग्जैक्ट सामने ये है कैलकट ना, वो पीछे अपनी यूनिवर्सिटी भाई। कुछ चलना नहीं है, कुछ नहीं करना। 5 मिनट का वॉक पहुँच गया अपने रास्ता अपना। की अच्छी बात ये है कि 24/7 खुली रहती है, कभी भी जाओ कभी भी आओ वक्त चोरी नहीं है भाई। अभी ये तो सेकेंड असाइनमेंट है, फर्स्ट असाइनमेंट गया तब तो पूरी रात, रात के 9 बजे जाओ, सुबह 4-5 बजे निकलो लाइब्रेरी से, फिर उसके बाद वापस लेक्चर जाओ, वापस लाइब्रेरी जाओ, खाना वाना खाओ, ये वो बहुत एक्टिक। ये अगर ये ब्रिज मिल जाए तो समझ लें यूनिवर्सिटी पहुँच गए। ये रहा अपना जैगवा, ये रहा अपना विलियम मॉरिस, और ये रही अपनी लाइब्रेरी और उसके पीछे स्टूडेंट सपोर्ट सेंटर। काम वाम करना हो थर्ड फ्लोर पे जाओ, थर्ड फ्लोर इज द बेस्ट, बहुत सही वाइब है, बैठ के अच्छे से काम होता है। काम तो भाई लाइब्रेरी में होता है, घर पे बैठ के नहीं होता है। खुल जा भाई। चालू करते हैं भाई। अरे महादेव देख लो 12 बज गया, 12 बज के हो गया, काम तो चल रहा है साथ में, खाना वाना भी चल रहा है, सब कुछ है। थोड़ा बाहर जाएंगे, अभी थोड़ा घूमेंगे फिर आते हैं। अब सर उठते हैं, एक बजने वाला है, एक बजने वाला है। काम तो हो गया था पर भाई यार ड्राफ्ट बनाना है, अभी तो पैराफ्रेज करना है, बहुत बकचोदी है भाई, करना तो पड़ेगा।
इसी के लिए तो आए यहाँ पे। थका तो नहीं, थका नहीं हुआ यहाँ, मैं सो गया था शाम को, उठा अभी, थका नहीं हुआ। पर भाई सुबह कल कॉलेज भी जाना है, कॉलेज भी 11 बजे की है, इट्स फाइन। देखते हैं और कितने टाइम तक बैठते हैं यहाँ पे, फटाफट ख़त्म हो जाए भाई। चलो भाई आज के लिए तो ख़त्म हो गया, कल वापस आएंगे लाइब्रेरी। बहुत लेट हो गया, 2 बज रहे हैं अभी, 2 बजे घर पे जाओ, सुबह जल्दी उठना भी है वापस। ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यार सबमिशन डेट भी लेट है। आज कौन सा है, 21st है, सबमिशन डेट 28th को है। पर यार ये लोड एक बार दिमाग से निकल गया ना तो फिर कोई इशू नहीं है, वरना फिर वही भाई लास्ट टाइम पे करो असाइनमेंट सबमिट फटाफट, ना इंटेक्स एडिशन होता है, ना रेफरेंसिंग बराबर होती है, ना कंक्लूजन लिख पाते, ना रिफ्लेक्टिव पीस लिख पाते, कुछ होता नहीं है भाई। सोचो फटाफट ख़त्म करो, वही अच्छा है भाई। आज तो रास्ते पर कोई है भी नहीं, सुनसान रास्ता दिख रहा है। कोई नहीं भाई, जय श्री राम। डरते थोड़े कैसे, आ गए अपने अपने घर। क्या देखो पार्टी पार्टी चलती है ना, ये रहा।